नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर। सिटी हलचल अब YouTube के साथ साथ Google Play Store पर भी उपलब्ध है। और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नगर में बढ़ती छेड़छाड़ की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए SSP अनंत देव तिवारी के निर्देशन में महिला थानाध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा व एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभारी ममता गौतम व सीमा यादव द्वारा टीम के साथ मिलकर नई मंडी व सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कई इलाकों में जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जहाँ टीम द्वारा कोचिंग व स्कूल टाइम में घूमने वाले मंचलों को सबक सिखाने के लिए युवकों को रोका गया। वहीं बिना किसी कार्य के क्षेत्र में घूमने वाले मंचलों की जमकर क्लास ली गयी। इस दौरान युवकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया, लेकिन दोबारा क्षेत्र में बिना कार्य घूमने और पकड़े जाने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई। बझेड़ी अंडरपास बना गांव वालों के जी का जंजाल। ग्राम बझेड़ी अंडरपास में बरसात के पानी ने खोली प्रशासन की पोल। बरसात ने शहर व ग्राम वासियों को गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन शहर में जहां तहां हुए जल भराव से उसने शहर वासियों के लिए परेशानियों को बढ़ा दिया। तो वहीं ग्राम बझेड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले अंडरपास में कई फुट पानी भरने से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। हाल ही में जिला प्रशासन ने इसी अंडरपास से कांवड़ यात्रा में साफ सफाई कराकर कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को सुविधाएं दी थी, लेकिन अब कोई इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता, जिसे ग्राम वासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल हुई बरसात तो कुछ देर में ही थम गई, लेकिन इस बरसात ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल दी। बझेड़ी गांव वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मानो उनकी जिंदगी थम कर रह गई। कल से गांव के बच्चे स्कूल नहीं गए, वहीं बाइक सवार व अन्य वाहनों को भी गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कभी भी हो सकता है भयंकर हादसा। अंडरपास के ऊपर को कई ट्रेनें गुजरती हैं, भारी बारिश के कारण साइडें कटी हुई हैं। शायद रेलवे विभाग को किसी हादसे का इंतजार है, जबकि गांव प्रधान पति साबिर हसन अंडरपास से पानी निकलवाने में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन शासनिक प्रशासनिक अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। इस अंडरपास से सबसे भारी दिक्कत हो रही, कावड़ के टाइम पे भी बहुत भारी दिक्कत हुई थी। पूरा प्रशासन लेके सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर का यहीं पे पड़ा रहा था और इन्होंने खड़े हो के इसमें काम कराया प्रशासन ने, लेकिन अब कोई सुध नहीं ले रहा। फिलहाल दो दिन से बझेड़ी गांव का आवागमन ठप है बिल्कुल, न स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे, सब प्रधान को कोस रहे, गांव वाले हमें गालियां दे रहे कि प्रधान की वजह से ये पुल बन गया। हालांकि हमारा इसमें कोई संबंध नहीं, केंद्र सरकार का मामला, लेकिन कुछ लोग असल में इसमें कुछ इशू दूसरे टाइप का बना रहे। हम तो लगे हुए पानी भी निकलवाने में, लेकिन रेलवे के अधिकारियों की बिल्कुल घोर चूक है और पानी बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहा है। यहाँ कोई इनके पास इंतजाम नहीं है किसी किस्म का, और ना ये काम हमें लगता है सक्सेस होगा। आने वाले दिनों में भी भारी समस्या होगी, जब बारिश होगी भारी बरसात करते स्कूल के बच्चे कैसे वहां कर रहे हैं, कैसे स्कूल के बच्चे डूबने से बच गए, वैन डूबने से बच गई, और अब हमने ऐलान करवा दिया था गाँव में कोई भी नहीं जा रहा बच्चा भी, अब कहाँ को जाएगा, कहाँ को विजिट करेगा लोग। सबसे बड़ी दिक्कत है बझेड़ी गाँव का, बिल्कुल जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। प्रशासनिक अधिकारी क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से आप? हम चैनल के माध्यम से कहना है, हमारी आवाज़ जैसे कांवड़ के टाइम शासन के प्रशासन के लोग यहाँ पे जिम्मेदार लोग खड़े थे, DM साहब भी थे, SDM साहब भी थे, ADM साहब, कप्तान साहब, SPGT साहब, अब भी वो इसका संज्ञान ले और इस काम को अति शीघ्र कराए और इसकी समस्या का निदान करें। गांव वालों को भारी दिक्कत है, ये बगैर छपे काम निकलने का और पानी का इसकी निकासी का इंतजाम करने का। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को चरथावल पुलिस ने आपसी सहमति से एक दूसरे के गले में माला डलवाकर दोनों को दाम्पत्य जीवन डोर में बांधकर गृहस्थ आश्रम बिताने को कहा। पिछले करीब 20 दिनों से किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच नफरत की खाई पैदा हो गई थी। इसी के चलते पत्नी अपने 4 बच्चों को छोड़कर आश्रम में चली गई। पति द्वारा माफी मांगने पर कोतवाली पहुंची, कोतवाली प्रभारी के समझाने पर दोनों ने सुखी जीवन बिताने की कसमें खाई। मुजफ्फरनगर के चरथावल कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला है। हमारा में पति पत्नी में कुछ बात सुलेगा विवाद होगा आपस में, आज हमारा पुलिस के द्वारा यहाँ थाने में समझौता होगा और हम खुशी तब जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। हाँ बस वो अपना विरोध दूर कर दिया। वो फिर क्या हुआ? फिर थाने में आए थे? थाने में तो आज क्या हुआ?
आज ये हुआ मुझे क्या लगे मैं कभी ऐसा नहीं करना का कभी लेकिन मैं जैसा करा तो है आज ये टाइम में मेरा लाज ये करेगा आज क्या हुआ अब क्या हुआ अजय भी नहीं होगा फैसल होगा अब एक दूसरे को माला पहनाई आपने जनपद सहारनपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र के शहीदगंज बाजार में सहारनपुर के पुराने व्यापारी बनारसी दास का 3 मंजिला शोरूम है। इसमें राखी और जहां रविवार को शोरूम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते तीनों मंजिलों को लपटों ने घेर लिया और सारा सामान जल गया। शहर के बीचों बीच आग की लपटे उठी तो अन्य व्यापारी भी घबरा गए। दरअसल यह शहर का बेहद व्यस्तम बाजार है और यहाँ मंजिल एक दूसरे से मिली हुई है। ऐसे में व्यापारियों को यह आशंका डराने लगी कि आग की लपटे बाजार में न फैल जाए, लेकिन दमकल विभाग की टीमें और सिटी पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी और घंटों की मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक सारा सामान जल गया था। अभी तक इस दुर्घटना में 50 लाख से अधिक का नुकसान हो गया है। आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस दुर्घटना में 50 लाख से अधिक रुपयों का नुकसान हो चुका है। त्यागी सभा जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा फ्रेंड्स कॉलोनी में मेधावी छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित करने के लिए त्यागी सभा मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम संयोजक शिवराज त्यागी एडवोकेट ने बताया कि ईश्वर जनपद मुजफ्फरनगर के त्यागी समाज के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के ऐसे छात्र छात्राओं को जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसको पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्याम सुंदर त्यागी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बी के त्यागी, डायरेक्टर श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज श्री राजकुमार त्यागी मोरटा व सम्मानित अतिथि के रूप में विपिन त्यागी, स्टेशन अधीक्षक मुजफ्फरनगर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक त्यागी सभा जनपद मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष ने की, संचालन संयोजक शिवराज त्यागी ने किया। सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष तो मेधावी छात्र एवं छात्राओं को ही पुरस्कृत किया गया है, वहीं अगले वर्ष त्यागी सभा कुश्ती व अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के 11 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेगा। इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल रहे। जनपद मुजफ्फरनगर मैं त्यागी सभा की तरफ से हर प्रतिवर्ष की तरह आज भी मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 75% से ज़्यादा जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उन सभी को आज यहाँ सम्मानित किया गया है, उनको प्रोत्साहित किया गया। समाज के सभी लोग यहाँ मौजूद थे। आज के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार त्यागी जी और श्री श्याम सुंदर त्यागी जी दिल्ली से आए थे और डॉक्टर बी के त्यागी जो श्रीराम कॉलेज ऑफ ग्रुप के डायरेक्टर हैं वो आज के विशिष्ट अतिथि थे। तो ये त्यागी सभा की तरफ से प्रोग्राम होता है प्रतिवर्ष और अशोक त्यागी जी त्यागी सभा के अध्यक्ष हैं, उन सब के सहयोग से आज हमने सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया है, जिससे ये भविष्य में इस देश में जाकर विभिन्न पदों पर जाकर अच्छा कार्य करें। आज लगभग 260 बच्चे यहाँ पर आए हैं जिनको सभी को यहाँ सम्मानित किया गया है और उसमें खाली यही नहीं है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन बच्चों ने अच्छा कार्य किया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एक लड़की एमबीबीएस में मेडिकल कॉलेज में गई है, उन बच्चों को भी हमने पुरस्कृत करने वाले बच्चों की श्रेणी में लिया और उनका भी सम्मान किया है। मीरापुर कस्बे में बेशकीमती कुओं पर लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है, जिसकी शिकायत भाजपा मंडल अध्यक्ष ने एसडीएम जानसर से की। तो एसडीएम के संज्ञान लेने पर नगर पंचायत वरिष्ठ लिपिक संजीव शील व उनकी टीम पुलिस के साथ एक कुएं से कब्जा हटवाने के लिए पहुंची, किंतु विरोध के चलते टीम कब्जाधारियों को शाम तक स्वतः कब्जा हटाने की चेतावनी देकर लौट आई। मीरापुर कस्बे में नगर पंचायत के करीब 3 दर्जन बेशकीमती कुएं थे, जिनमें से अधिकांश पर लोगों ने नगर पंचायत की लापरवाही के चलते अवैध कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे कुओं का अस्तित्व खत्म हो गया। अभी कुछ दिनों पूर्व ही सराय गेट स्थित एक कुएं पर कुछ लोगों ने झोपड़ी डालकर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत भाजपा मंडल अध्यक्ष वैद्य प्रद्युमन शर्मा ने एसडीएम जानसर से की, जिस पर एसडीएम जानसर ने मीरापुर ईओ अनूप राय को उक्त कुएं से कब्जा हटवाने को कहा, जिस पर शनिवार को नगर पंचायत कर्मचारी पुलिस को साथ लेकर कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें विरोध झेलना पड़ा, जिस पर पुलिस ने नगर पंचायत कर्मचारी कब्जाधारियों को शाम तक स्वतः कब्जा हटाने की चेतावनी देकर वापस लौट आए। मीरापुर में वन विभाग कार्यालय के सामने मेरठ पौड़ी राजमार्ग पर तेज रफ्तार टवेरा कार ने संबलहेड़ा निवासी बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। पुलिस ने गंभीर घायल पिता पुत्र को एम्बुलेंस से जानसठ अस्पताल भिजवाया। घायल पिता पुत्र संबलहेड़ा निवासी आफताब पुत्र इसरार व उसके पिता इसरार पुत्र हाजी शरीफ अपने गाँव संबलहेड़ा से मीरापुर अपनी दुकान पर आ रहे थे। जैसे ही वह वन विभाग के सामने पहुंचे तो सामने से आ रही एक तेज गति से टवेरा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए और टवेरा
महिला चालक वहां से फरार होने लगा और अपनी गाड़ी कस्बे में घुसा दी। वहीं घटना की जानकारी किसी ने पुलिस को दी और घायलों को जान से ट्रेफर कर दिया और कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। वहीं घायल पिता पुत्र की हालत नाजुक बनी हुई है और कार चालक पर कार्यवाही करते हुए जेल भेजने की तैयारियां चल रही है। जनपद सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की महानगर इकाई की बैठक संगठन के महानगर कार्यालय प्रकाश प्लाजा बाजोरिया रोड पर संपन्न हुई। बैठक में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने महानगर इकाई की 31 सदस्यीय कार्यकारिणी की भी घोषणा की। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला सचिव विनोद कश्यप ने की, जबकि संचालन संगठन के जिला प्रवक्ता मनोज कश्यप ने किया। 40 से अधिक पत्रकारों के साथ हुई बैठक को संबोधित करते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष सुशील कपिल ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े पत्रकार किसी भी सूरत में पत्रकार साथियों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जो कार्यकारिणी मेरे द्वारा गठित की गई है वह पूरे तरीके से पत्रकार के हित में सभी पत्रकारों को साथ लेकर कार्य करेगी। बैठक को संबोधित करते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा कि जिले में किसी भी सूरत में पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। नवगठित कार्यकारिणी 4 उपाध्यक्ष 2 महामंत्री 7 सचिव सहित 2 प्रचार मंत्री व 4 संगठन मंत्री व कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब महानगर कार्यकारिणी में पत्रकार नफीस उर रहमान, रोशन लाल सैनी, विशाल कश्यप, कमल कश्यप आदि हैं। जिसका उद्देश्य महानगर इकाई का गठन करना था। महानगर इकाई से जुड़े हुए तभी सभी पत्रकार साथी लगभग 40 के लगभग पत्रकार साथी इसमें मौजूद रहे हैं, जिसमें हम लोगों द्वारा 31 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, महामंत्री घोषित किए गए हैं, सचिव बनाए गए हैं, प्रचार मंत्री बनाए गए हैं, कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। हमने पत्रकार साथियों से कहा है कि आप सब लोग संगठित रहिए, पत्रकार उत्पीड़न की किसी भी घटना को सहारनपुर जनपद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि पत्रकार उत्पीड़न की कोई घटना करता है, कोई प्रशासनिक स्तर पर होती है, तो उसके लिए पूरा जिला एक साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। और पूरा जिला ही नहीं, पूरा प्रदेश, यहाँ से लेकर सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक और बहराइच से लेकर बलिया तक, शाहजहाँपुर से लेकर बांदा तक, तमाम पूरा प्रदेश आपके साथ है। हमने इनसे ये भी कहा है कि सभी पत्रकार साथी येलो जर्नलिज्म से बचे, पीत पत्रकारिता से बचे। किसी भी तरीके से येलो जर्नलिज्म के साथ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन नहीं है। और आपने अगर सोशल मीडिया ग्रुप बनाए हुए हैं, आपने अगर फेसबुक पर अपने आप को एक ग्रुप बनाकर आप उस पर वर्क करते हैं, तो आप से हमारा अनुरोध है, ये हमने अपने सभी पत्रकार साथियों से कहा है कि ऐसी किसी भी पोस्ट से आप पूरी तरीके से संवेदनशील रहें जो समाज को, देश को बांटने का काम करती है। और ऐसा यदि कोई आदमी आपको अपनी सोशल साइट ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर हो, तो उसको तत्काल रिपोर्ट। रुड़की रोड स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खतौली विधायक विक्रम सैनी मौजूद रहे। इस दौरान अति पिछड़ा वर्ग समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं समाज को नई दिशा देने के लिए कार्य करने की अपील की गयी। आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे द्वारा प्रजापति समाज के नेतृत्व में, इसका जो नेतृत्व कर रहा है प्रजापति समाज कर रहा है, प्रजापति समाज के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन रुड़की रोड स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे भाजपा के प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, संजीव बालियान जी, विधायक विक्रम सैनी जी, प्रमोद उठवाल जी, विजय कश्यप जी, ये हमारे मुख्य अतिथि थे। और आज धर्मवीर प्रजापति जी को एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आने के कारण उनका कार्यक्रम ये रद्द हो गया, इसलिए उनको अचानक दिल्ली से फ्लाइट द्वारा लखनऊ जाना पड़ा। और अब उनका जो कार्य वो संबोधन है वो मोबाइल द्वारा मंच से कराया जाएगा। और इस अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में अति पिछड़ा वर्ग की समाज की जो मांग है, ये मांगे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग समाज में आने वाली सभी जातियों को किसी भी चुनाव में अधिक से अधिक टिकट दे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा अति पिछड़ा वर्ग समाज हमेशा भाजपा का ही सपोर्टर रहा है, वोटर रहा है, और 90% वोट भाजपा को ही जाता है अति पिछड़े वर्ग समाज का। इसीलिए अति पिछड़े वर्ग समाज इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो भाजपा को भी चाहिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा महत्व राजनीति में भागीदारी दें। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में कलेक्ट्रेट में धरनारत मास्टर विजय सिंह व अन्य समाज सेवियों द्वारा अटल वटवृक्ष का रोपण किया गया। इस दौरान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। अटल वटवृक्ष है और आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि एवं याद में हमने ये रोपित किया है।
अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी के कार्य, अटल जी के उसमें ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हम एक वट वृक्ष लगा करके जो है उन्हें याद रखें, उन्हें नमन करें। हम हमेशा जो है अटल जी के जो कथन हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, एक मेरे जीवन में भी है कि हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा। ये मैं अपने जीवन में उतारा है और मैं इस पर चलता रहूंगा। मैं किसी तरह की राड़ नहीं करूंगा और हार नहीं मानूंगा, निरंतर अपने पथ पर चलता रहूंगा। ये मैंने अटल जी से सीखा है। मैं आदरणीय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। जानसर क्षेत्र के गांव भलेड़ी में गोगा जहावीर पर लोगों ने निशान चढ़ाया। वही कार्यक्रम के दौरान माहड़ी पर दो नई मूर्तियों की स्थापना की गई। मूर्ति की स्थापना से पहले महिलाओं ने गांव में कलश यात्रा निकालकर मूर्तियों को पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली। विनोद सैनी व सोनू सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गाँव में स्थित माहड़ी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोगा जहावीर माहड़ी पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं ने माहड़ी पर निशान व प्रसाद चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगी। इस दौरान माहड़ी पर मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु निशान में प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ जंधेड़ी गांव के पूर्व प्रधान धीर सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान मुख्य रूप से सोनू सैनी, योगेंद्र उपाध्यक्ष, नाहर सिंह सैनी, राजकुमार सैनी पूर्व प्रधान आदि उपस्थित रहे। बड़ा अच्छा धार्मिक अनुष्ठान, हिंदुओं की एकता का प्रतीक। अभी थोड़े दिन पहले शिवरात्रि का प्रोग्राम और बड़े युद्ध स्तर पर चल रहा था, जो हरिद्वार से लेकर गंगा जल वहाँ तक चला। तो अपने अनेक स्थानों पर जगह जगह जो अपने मान्यता जहाँ भी वहाँ इन लोगों ने जल चढ़ा, और ये बड़ा ही अच्छा। अभी नई मूर्ति लाई है, तो उन मूर्तियों का आज गाँव में वो काट कर जहाँ की उसका वो करे जाएगा। और जैसे भी बस मैं तो इन सोनू भाई के साथ जहाँ जहाँ भी इनकी चाहे सेवा लेना चाहेंगे वहाँ इनके साथ हूँ। और समाज में सभी लोग परिचित हैं, सभी अपने बड़ा प्यार करते हैं। जैसा इन लोगों ने कहा, क्योंकि मेले के इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी तो है नहीं, तो जैसे भी अब समय पर इन्होंने अचानक मुझे बुला तो मैं आ गया। जैसे भी जो मेरे से एक सहयोग लेंगे वो सहयोग तन मन धन से मिले। रविवार को टाउन हॉल रोड स्थित रेस्टोरेंट में वैश्य समाज उत्तर प्रदेश की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। इस दौरान सभी अतिथि गणों का जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में सभी सदस्यों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करने की अपील की गई, ताकि समाज आगे बढ़ सके और गरीबों व जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। आज लखनऊ से नंद गोपाल नंदी जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी बनाई हुई ये संस्था है, और उनके जो विशेष रूप से उनके साथ रहने वाले हैं कुंवर केशरिया जी और अजय गोयल, जो उनके प्रतिनिधि रूप में आज आए हुए हैं, उनका विजिट है आज। और अजय गोयल जी जो मंडल प्रभारी हैं वो आए हुए हैं, और दीपक राज जी जो देवबंस है, जो मंडल प्रभारी मंडल अध्यक्ष सहारनपुर हैं, वो आज सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। तो इसी श्रृंखला में हम यहाँ करीब 50-60 लोग सहारनपुर, शामली, देवबंद और मुजफ्फरनगर के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। वो कुछ आगे के लिए निर्देश देने के लिए हमें बुलाया है आज। वैश्य समाज उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की जो कार्यकारिणी आगे बननी है, क्योंकि जो जिला मुजफ्फरनगर की जो छह विधानसभा सीट्स हैं, उनके लिए हमें प्रभारी नियुक्त करने हैं, और कुछ हो भी गए हैं, कुछ बनने हैं। वहाँ के बाजार के अध्यक्ष बनने हैं, उसके लिए फिर हमें 20-20 मेंबर्स चुनने हैं, उसके लिए आज कुछ निर्देश देने के लिए हमें आए हैं। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।